हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक ग्रूमिंग. लेट स्टार्ट. सो ग्रूमिंग का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम जनरली ग्रूमिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ब्रशिंग योर टैलेंट, कि जो भी टैलेंट, जो भी एबिलिटीज आपके अंडर हैं, जो भी आपके पास टैलेंट है, एक्टिविटीज हैं, जो भी आप परफॉर्म करते हो, उसे और ब्रश करना, उसे और निखारना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग. कि जब आप देखोगे कि ग्रूमिंग सेंटर्स भी होते हैं, सो उनमें क्या किया जाता है कि जो भी आपका टैलेंट है, जिसमें आप अच्छा करते हो, उसे और निखारना और उसे और ज़्यादा ब्रश कर देना और उसे बहुत अच्छा बना देना. सो ऐसे ही ग्रूमिंग हमारी पर्सनैलिटी में भी होता है. अब हमने ग्रूमिंग का जनरल मीनिंग तो कर लिया, लेकिन अगर हम पर्सनैलिटी के व्यू पॉइंट से देखें तो ग्रूमिंग क्या है? पर्सनल ग्रूमिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग एन इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम एंड ऑल्सो गोज ए लॉन्ग वे इन डेवलपिंग एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम होता है कि आपके अंदर कितना सेल्फ एस्टीम है. इट मीन्स आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, आपका जो टैलेंट है, अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है आपको, उसको हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं. सो पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है? जो आपकी सेल्फ एस्टीम, यानी कि आपका खुद पे कॉन्फिडेंस जो इंक्रीज करता है और आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है. यानी कि कुछ ऐसे ट्रेट्स जो आपकी पर्सनैलिटी में है, उनको ब्रश करके उनको शाइन कराता है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी क्या बन जाए? अट्रैक्टिव बन जाए. पर्सनल ग्रूमिंग डज नॉट मीन अप्लाइंग लॉट ऑफ मेकअप एंड वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स. कि पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए महंगे महंगे कपड़े पहनने लग जाएं या फिर बहुत ज़्यादा आप मेकअप करके किसी के सामने चले जाओ. ये ग्रूमिंग नहीं है. ग्रूमिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट फॉर अ प्लीजिंग अपियरेंस. कि आपकी पर्सनैलिटी दूसरे को ऐसी प्लीजिंग दिखे, अच्छी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए अपने हर बॉडी पार्ट को मेंटेन रखना, क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना क्या है? पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है. यानी कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी में ट्रेट आते हैं, तो सबसे पहले लोग आपकी पर्सनैलिटी कैसे जज करते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन से वो आपको देखते हैं. बातें बाद में स्टार्ट होती हैं. सो सबसे पहले मीन्स आपकी अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है. सो हमेशा आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आपको क्या सिखाती है? कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आप को मेंटेन रखना क्या है? पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है. यानी कि अपने आप को मेंटेन, अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, अपने बॉडी के पार्ट्स को मेंटेन रखना क्या है? हमारा पर्सनल ग्रूमिंग है. बट क्या ये ग्रूमिंग हमारी पर्सनैलिटी के लिए इम्प्रूवमेंट करेगा कुछ? अब आप खुद सोच के देखो, आपके सामने दो लोग खड़े हैं. एक ऐसा है जो मतलब अपने आप को बहुत वेल मेंटेन्ड है, साफ सुथरा क्लीन क्लोज पहन रखे हैं, दूसरा जिसने डर्टी क्लोज पहन रखे हैं, कुछ साफ ऐसे ही बाल बिखरे हुए हैं. सो क्या है, आपका इम्प्रेशन हमेशा ही नेगेटिव आएगा उस इंसान के टुवार्ड्स. सो हमेशा आपकी जो ग्रूमिंग है वो आपकी पर्सनैलिटी पे फेवरेबल इम्पैक्ट डालती है. इसीलिए हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का ही यूज़ करते हैं, ताकि हमारी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ब्रश हो जाए और ज़्यादा शाइन करे. ग्रूमिंग इंक्लूड्स, अब हमें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, यानी हमें अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जो लोगों को अट्रैक्ट करे. तो हम ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं? अब हमने बोल दिया कि पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट हैं हम उन्हें निखार सकें. लेकिन ग्रूमिंग करते कैसे हैं, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी कैसे? ग्रूमिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? दैट इज पर्सनल हाइजीन, बॉडी लैंग्वेज, अपियरेंस, एटिक्वेट एंड ड्रेसिंग सेंस. सो इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में. सो फर्स्ट इज पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन मीन्स क्लीनलीनेस. यानी कि हाइजीन का मतलब ही होता है क्लीनलीनेस, और पर्सनल यानी कि एक पर्सन अपनी हाइजीन मेंटेन रखे. क्योंकि हमने ग्रूमिंग में ही किया है, कैसे एक पर्सन अपने आप को क्लीनलीनेस मेंटेन रखता है, वही हमारी ग्रूमिंग है. कितने अच्छे से आप साफ सुथरे रहते हो, वो ग्रूमिंग का ही पार्ट है. सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? पर्सनल हाइजीन, यानी कि आप कितनी हाइजीन मेंटेन करके रखते हो. फॉर हैविंग अ बेटर पर्सनैलिटी एंड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द क्लीनलीनेस, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. कि जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाना चाहते हो, एक फेवरेबल और बेटर पर्सनैलिटी चाहते हो, तो आपको क्लीनलीनेस के बारे में नॉलेज होनी ही होनी चाहिए. अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और हमें आगे चल के डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. यानी कि हमें ऐसे पता होना चाहिए कि हम खुद को कैसे क्लीन मेंटेन कर सकते हैं, वो हमारी पर्सनल हाइजीन में आता है. अब आपकी पर्सनल बॉडी हाइजीन में किन किन पार्ट्स की हाइजीन आप करोगे? आपके हेयर, आपकी स्किन, हैंड्स, नेल, फीट,
टिथ। तो वन बाय वन हम जर्नल टिप्स करेंगे कि जर्नल टिप्स फॉर हेयर हाइजीन, कि आपकी हेयर हाइजीन आप कैसे मेंटेन रख सकते हो, आपके बालों की हाइजीन, बालों को साफ कैसे रखोगे। फर्स्ट इज वॉश योर हेयर प्रॉपरली, कि अपने बालों को रेगुलरली धो और उसको वॉश प्रॉपरली करो, मीन्स अच्छे से अपने बालों को धो, अच्छे से टाइमली धो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम बाद धो रहे हो, उसकी वजह से क्या है आपको हेयर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ड्राई हेयर विद क्लीन टॉवल, कि आपने एक बार बाल धो लिए उसके बाद जब आप उन्हें सुखाते हो या फिर किसी भी इक्विपमेंट वगैरह किसी भी चीज़ का यूज़ करते हो उसे प्रॉपरली यूज़ करो। और अगर आप टॉवल का यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप डर्टी का यूज़ कर रहे हो। ब्रश योर हेयर 3 or 4 times इन अ डे, कि आप अपने बालों में कंघी करो 3 से 4 बार करो, एटलीस्ट 2 बार तो करो ही करो, उससे क्या होंगे वो मेंटेन रहेंगे। यूज़ ऑयल फॉर नरिशिंग योर हेयर्स, कि आपके हेयर में शाइनिंग के लिए, अब जो भी आप हेयर्स देखते हो तो शाइनिंग वाले हेयर्स ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, सो हमेशा अपने जो हेयर को शाइनिंग नरिशमेंट देने के लिए ऑयल का यूज़ करो। जनरल टिप्स फॉर स्किन हाइजीन, कि आप अपनी स्किन की हाइजीन के लिए क्या क्या टिप्स आजमा सकते हो, दैट इज़ वॉश योर स्किन विद वाटर एंड सोप, कि जब भी आप कोई काम करते हो तो अपनी स्किन को उसके बाद अपने हाथों को पैरों को किससे धो, साबुन से धो और पानी से अच्छे से धो। ड्राई इट विद क्लीन टॉल, कि उसे अच्छे से फिर साफ, आपने धो लिए तो उसे एक अच्छे तौलिए से अच्छे कपड़े से साफ करो। क्लीन हील्स विद स्क्रबर्स, कि अपनी हील्स को स्क्रबर से आप क्लीन करो, क्योंकि वो नॉर्मली क्लीन नहीं होती वैसे, तो स्क्रबर का यूज़ करो जो आपके लिए पेनफुल ना हो, एक ऐसे सॉफ्ट स्क्रबर का यूज़ करो जो आपकी हील्स को क्लीन कर दे। ड्राई स्किन यूज़ मॉइस्चराइजर, कि जब आपकी स्किन अगर ड्राई है रफ है तो आपको मॉइस्चराइजर का यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर। Use moisturizer at night, कि आपको ऐसे mostly winters में आपको क्या करना चाहिए, रात को moisturizer को लगाना चाहिए अपनी स्किन पे, such as lips पे, आपके hands पे, so आपको moisturize हो जाएगी आपकी स्किन। Consult to doctor if you have any skin problem, कि अगर आपकी कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो, कोई फेस कर रहे हो, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो फैले ना। General tips for हैंड्स हाइजीन, कि हैंड की हाइजीन के लिए, हाथों की हाइजीन के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। वॉश योर हैंड आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग फूड, कि खाना खाने से पहले, क्योंकि हाथ हम कहीं कहीं लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो हमेशा खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी धोना चाहिए। वॉश योर हैंड आफ्टर डूइंग एनी विच इज़ रिलेटेड टू डस्ट, कि कोई भी ऐसा काम आपने किया है जिसमें कुछ डस्ट है, मिट्टी वगैरह से जो रिलेट करता है, मीन्स जहाँ आपके हाथों पे डस्ट आ सकता है, तो हमेशा वो काम करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ड्राई इट विद क्लीन टॉवल, कि आप फिर उसके बाद अच्छे से पोंछ लो उसे। डू नॉट टच हैंड एनी वेयर और एट एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को हाथ लगाते घूम रहे हो, ऐसे जो रिक्वायर्ड है वो तो आप करोगे, लेकिन हर जगह हाथ टच ना करो। यूज़ मॉइस्चराइजर्स, कि अपनी हैंड की नरिशमेंट के लिए या फिर मॉइस्चराइज स्किन के लिए आपको मॉइस्चराइजर्स का, क्रीम्स का यूज़ करना चाहिए। जनरल टिप्स फॉर टिथ हाइजीन, कि आपके टिथ के है उसकी हाइजीन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ब्रश योर टिथ ट्वाइस इन अ डे, कि दिन में 2 बार तो एटलीस्ट ब्रश करना ही चाहिए, वो मॉर्निंग में, नाइट में आप कर सकते हो। रिंसे योर टिथ आफ्टर मील, कि जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आप रिंसे करो, ताकि आपका जो जर्म्स हैं वो आपके माउथ में ना रह जाएं। कीप योर टिथ इन्फेक्शन फ्री, कि अपने टिथ को इन्फेक्शन फ्री रखो। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से, डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर टिथ, तो आप क्या करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, डेंटिस्ट से करो, और उसके डेंटिस्ट से करके और उसको क्या करा लो, जितना जल्दी हो सके उसे ठीक कराओ। क्योंकि जो है प्रॉब्लम, अगर आपके टिथ में प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली आपको पेन भी देगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर जो आपकी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देता है। डू ब्रश प्रॉपरली, कि जब भी आप ब्रश करते हो तो उसे अच्छे से करो, ऐसा नहीं है कि आप ब्रश कर तो 2 बार रहे हो लेकिन अच्छे से कर ही नहीं रहे, कि आपके जर्म्स वगैरह वो क्या है आप उन्हें अवॉइड कर ही नहीं पा रहे, सो इसीलिए आपको अच्छे से ब्रश करनी चाहिए। जनरल टिप्स फॉर नेल्स एंड फिट हाइजीन, सो सबसे पहले अपने नेल्स की हाइजीन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि ये ऐसा माना जाता है और ये रिसर्च कहती है कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी से, अगर आपको नेल्स से अपनी पर्सनालिटी शो करनी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके नेल्स लॉन्ग ही हों। अगर आपको नेल्स तभी बढ़ाने चाहिए जब आप उन्हें क्लीन रख सकते हो। अगर आपके नेल्स लंबे हैं लेकिन वो क्लीन नहीं है, तो वो फेवरेबल की बजाय अनफेवरेबल इम्पैक्ट डालते हैं। कीप नेल शॉर्ट अलोंग विद योर शेप, कि नेल छोटे रख सकते हो, ज़्यादा बड़े रखने की रिक्वायरमेंट नहीं
नहीं होती, लेकिन उनकी शेप में रखो, अपनी नेल की शेप बनाए रखो। डू नॉट कट नेल्स, सो इतना भी क्लोज आपके नेल्स को मत कट करो कि जब आप नेल्स को कट करते हो, आपको लॉन्ग नेल्स नहीं पसंद तो आप उन्हें कट कर रहे हो, लेकिन उन्हें इतने पास से भी कट मत करो कि वो पिंचेस करें, मीन्स आपके स्किन के ऊपर कट आ जाए या स्किन में पेन होने लग जाए। उनको प्रॉपरली कट करो। डू नॉट कीप नेल पेंटेड ऑलवेज, कि हमेशा नेल पेंट का यूज़ करना हमेशा, मीन्स हर टाइम आपके नेल्स पे नेल पेंट हो, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी शाइनिंग चली जाती है नेल्स की, तो हमें हमेशा उसे पेंटेड नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब हम किसी प्रॉपर, हमारी रिक्वायरमेंट है ही कि हमें कोई फंक्शन अटेंड करना है, वेडिंग अटेंड करनी है, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। फीट के लिए क्या होगा कि व्हेन यू एंटर द हाउस प्लीज़ वॉश योर फीट, की ट्रेडिशनली ये यूज़ किया जाता था कि जब भी आप अपने घर के अंदर घुसते हो या किसी और के भी घर के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप अपने पैर धोते थे। तो ये ट्रेडिशनली ये अच्छा माना गया है कि जब भी आप कहीं एंटर करते हो तो सबसे पहले आप अपने पैर धो। उसके बाद गिव इम्पोर्टेंस टू वियरिंग कम्फर्ट स्लीपर्स, कि जो भी आप स्लीपर्स पहन रहे हो वो कम्फर्टेबल होने चाहिए आपके लिए। ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत टाइट हैं, वो आपको पिंच कर रहे हैं, ऐसा होता है बहुत बार कि वो फिर निशान डाल देते हैं, पेन भी होता है। सो हमेशा ट्राई करो कि जो भी आप स्लीपर्स पहन रहे हो वो कंफर्टेबल हो। देन बॉडी लैंग्वेज, अब हमने डिस्कस किया क्या है कि ग्रूमिंग क्या होता है। अब ग्रूमिंग के एक पार्ट हमने कर लिया कि पर्सनल हाइजीन। ग्रूमिंग क्या है कि हमारी पर्सनालिटी को वो बेटर बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को और अट्रैक्टिव बनाता है, और उसी में हमारी पर्सनल हाइजीन आती है। अब पर्सनल हाइजीन हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी ऑब्वियसली, कि अगर आप साफ सुथरे होगे तो लोगों का इंप्रेशन आपकी पर्सनालिटी के टुवर्ड फेवरेबल होगा। ऐसे ही सेकेंड क्या है, बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छे से अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करोगे उतनी ही बेटर आपकी पर्सनालिटी मानी जाती है। और जब आपकी ग्रूमिंग होती है, यानी कि जब इनको ब्रश किया जाता है आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स को, आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटीज को, सो उसमें बॉडी लैंग्वेज को भी ब्रश किया जाता है, कि जितने अच्छे से आपकी बेस्ट बॉडी लैंग्वेज होगी तो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत फेवरेबल होगी। आप बॉडी लैंग्वेज का यूज जितना अच्छे से करोगे वो उतना ही फेवरेबल आपकी पर्सनालिटी के लिए बन जाएगा। बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व्स अ होस्ट ऑफ नॉन वर्बल साइंस सच एज बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर इन कम्युनिकेशन, कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जिसमें आप बिना बोले कम्युनिकेट करते हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके गेस्चर से, आपकी टोन से, जब आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आप अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज दैट इट असिस्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग व्हाट अ पर्सन इज सेइंग, कि इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी लैंग्वेज की, कि आप उनके साइंस को, उनके गेस्चर्स को देख के ये पता लगाते हो, ये अंडरस्टैंड करते हो कि सामने वाला क्या शो करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। इट इज सेड दैट एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, कि हमने ये सुना ही है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि वर्ड्स से ज्यादा हम देखें तो हमारे एक्शंस ज्यादा अच्छे से बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, वॉकिंग स्टाइल, कि आप कैसे बैठे हो, कैसे आप वॉक करते हो, कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, उससे जब आप सामने वाले को कोई फील्स कराते हो, जैसे आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को किसी को ऐसे दिखाते हो कि आप हैप्पी हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन अलग होते हैं, सैड हो तो अलग होते हैं, यानी कि आप बिना बोले ये बता रहे हो कि आप हैप्पी हो, आप सैड हो, आपका मूड कैसा है, सो वो क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। योर बॉडी लैंग्वेज गिव क्ल्यू अबाउट योर एटीट्यूड, थिंकिंग, बिहेवियर रिगार्डिंग एनी पर्सन बाय योर वॉकिंग स्टाइल, स्टैंडिंग स्टाइल, हाउ यू लुक, कि किस सामने वाले पर्सन के लिए आपकी फीलिंग क्या है, आप खुद कैसा फील कर रहे हो, हैप्पी हो, सैड हो, या फिर सामने वाले को आप इग्नोर करना चाहते हो, उसे पसंद नहीं करते, ये सारी चीजें आप किससे दिखा सकते हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, बिना बात किए, बिना कुछ बोले, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के गेस्चर से क्या दिखा देते हो कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। हेड गेस्चर्स, अब बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आते हैं, हमारे हेड गेस्चर्स, यानी कि हम अपने हेड को कैसे मूव करते हैं। हेड गेस्चर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यू कैन कन्वे मैसेज विद योर हेड गेस्चर विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, कि आप अपने हेड को नोड करके, हिला के, अपने सिर को हिला के कम्युनिकेट कर सकते हो बिना कुछ बोले। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप क्लासेज में होते हो, जब आपके टीचर आपको कुछ समझा रहे होते हैं, तो जब वो आपको समझा रहे हैं तो आप अपने सिर को धीरे धीरे हिलाते हो कि हाँ हम समझ रहे हैं, तो आप बार बार ये नहीं
नहीं बोलते कि हाँ समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ जैसे आप क्या करते हो कि आप ऐसे बोलते मीन्स आप अपने हेड को नोड करते हो, पर ये पता होते हुए भी कि हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हेड नोड ही करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगी और वो सामने वाले को ये भी फील करा देगी कि हाँ आपको समझ आ रहा है. मीन्स टीचर आपको देखेगा, वो समझ जाएगा कि ये नोड कर रहे हैं, इसका मतलब वो समझ रहे हैं. सो ये क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. हाउ वन पर्सन यूज हेड टू कम्युनिकेट इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि हर प्लेस में, हर रिलीजन में, साउथ में अलग हो सकता है, नॉर्थ में अलग हो सकता है, कि हेड गेस्टर्स अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं. लेकिन जो मोस्ट फेमस हेड गेस्टर्स होते हैं वो यस और नो के लिए होते हैं, कि जब आप यस बोलते हो तो आप क्या करते हो, हेड को अप एंड डाउन नोड करते हो. सो ये नोड क्या बताता है कि यस, जब भी आपसे कोई पूछता है आप बिना बोले यस कैसे बोलते हो, अपने हेड को नोड करके. सो ये क्या है, आपका एक हेड गेस्टर है जो बिना कम्युनिकेशन के आप क्या कर रहे हो, बिना कुछ बोले आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले को बता दे रहे हो कि मेरा आंसर क्या है. यूजिंग हेड गेस्टर्स प्रॉपरली ग्रूम योर पर्सनैलिटी, कि आप जितने अच्छे से अपने हेड गेस्टर्स को यूज करते हो उतनी ही बेटर आपकी पर्सनैलिटी होती है. और ग्रूमिंग में यही सिखाया जाता है कि आप बिना बोले हेड गेस्टर को कितने अच्छे से यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर आइज, कि अब हमने देख लिया कि हम अपने हेड गेस्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी आइज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. आर आइज कन्वे आर मैसेज टू अदर इजिली, कि हम अपनी आंखों से अपने मैसेज को इजिली कन्वे कर सकते हैं. आइज आर पार्ट ऑफ फेस एंड इट हेल्प्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि ये हमारे फेस का एक पार्ट है और बिना मीन्स बिना बोले जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती हैं. अब आइज से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस है वो किससे शो होता है, आपकी आइज से. अगर आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा है, आप डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब हम बोलते नहीं कि इसमें कॉन्फिडेंस है, तो वो कैसे पता चलता है, उसके आई कॉन्टैक्ट से पता चलता है. सामने वाला आपको ये बोल के नहीं बता रहा कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, आप अपने उसके आई कॉन्टैक्ट से. अब इग्नोरेंस से जब आप किसी को अवॉइड करना चाहते हो तो उसकी तरफ से आंखें फेर लेते हो, तो वो इग्नोरेंस भी शो करती है कि सामने वाले ने आपको इग्नोर किया है विद द आईज. अफेक्शन, अगर आप किसी को प्यार करते हो, आपका लव, आपका अफेक्शन, आपकी एंगर, आपके अलग अलग आईज का जो मूवमेंट है वो सारी चीज़ें शो करता है. गुस्से में आप अलग से आँखों से देखते हो, अगर आपको किसी को लव शो करना है तो उसके लिए अलग तरीके से. तो वो सब क्या है, जो आपके आईज के मूवमेंट हैं, आईज को शो करते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट कर सकते हो. देन पोलाइट इन अटेंशन, ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है. कि पोलाइट इन अटेंशन का क्या मतलब होता है, इसको हम सिविल इन अटेंशन भी बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स गिविंग अदर अ सेंस ऑफ प्राइवेसी व्हेन दे आर इन पब्लिक, कि जब आप पब्लिक में हो, आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप नहीं जानते और ऐसे भी हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो. वी एंगेज इन सिविल इन अटेंशन इन ऑर्डर टू बी पोलाइट एंड टू शो अदर्स दैट वी आर नॉट थ्रेट टू देम. तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, पोलाइट इन अटेंशन करनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप किसी को घूर के देखने लगे, पोलाइट इन अटेंशन, कि आप अटेंशन थोड़ी बहुत दे रहे हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, पब्लिक को देख रहे हो, बट इस तरीके से नहीं कि आप उन्हें क्या फील करा दो, आप उन्हें ऐसे लग उनको आपसे डर लगने लग जाए या फिर वो थोड़ा डर के फ्राइटन फील करने लग जाए. सो पोलाइट इन अटेंशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखो, आप अपने आप को ऐसे मेंटेन करो पब्लिक में कि लोगों को ऐसा ना लगे कि आप उनको डरा रहे हो या फिर उनको आपसे कोई खतरा है. When people do not provide polite in attention या फिर civil in attention, कि जब आप public में polite in attention या फिर civil in attention provide नहीं करते हो, तो लोगों क्या होता है, वो annoy करता है, लोगों को distract करता है और उन्हें stress में ला देता है. So ये सब क्या करना है, हमें हमेशा अपनी good body language में groom करने के लिए polite in attention follow करना चाहिए, कि जब आप public में हो तो आपको अपनी body language ऐसी रखनी चाहिए कि लोगों को ऐसा ना लगे कि आप थोड़े अलग हो और आप मीन्स उनके लिए कोई खतरा हो सकता. एंड नेक्स्ट इज एक्सचेंज ग्लांसेस, कि जब भी आप रोड पे चल रहे होते हो तो एक्सचेंज ग्लांसेस से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से हमारे ग्लांसेस एक्सचेंज होते हैं और वो एक कैसे बॉडी लैंग्वेज, उससे हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. सोचो एक बार कि हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं बिना बोले, टू लुक एट समवन एट द सेम टाइम एज दे लुक एट यू, कि उसी टाइम पे जब आप किसी को देख रहे हो उसी टाइम पे वो आपको देख रहा है, तो वो पॉइंट क्या है, एक्सचेंज ग्लांसेस. और तब आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो ग्लांसेस को एक्सचेंज करते हुए. When we pass a stranger on street,
We may exchange glances when we are at a distance of 8 feet or we often signal the route. कि जब सामने से कोई आ रहा है और आप भी जा रहे हो तो आप दो एक दूसरे से क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे ग्लांसेस को. अराउंड 8 फिट का डिस्टेंस होगा. सो उन ग्लांसेस में आप क्या कम्युनिकेट करते हो कि आप उस साइड देखते हो फिर उस साइड देखने लगते हो जिस साइड से आपको जाना है, ताकि आप दोनों को क्या हो, टकराव ना, एक दूसरे से हिट ना करो. जाते वो इधर आ रहे हैं और आप जा रहे हो तो एक दूसरे से हिट ना करो, टकराव ना, इसलिए आप उस साइड देखने लग जाते हो जिस साइड से आप मूव करोगे. सो वो क्या है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले से कि मैं इस साइड से जाऊंगा, आप उस साइड से जाओ. सो वो क्या है, आप एक्सचेंज ग्लासेस से बिना कम्युनिकेट किए, बिना वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बता रहे हो कि मैं इस साइड से मूव करूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ग्लासेस. सो ये सारी क्वालिटीज ऑफ बॉडी लैंग्वेज हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें. हमारी ग्रूमिंग में ये इंक्लूड होती है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करें, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें ताकि वो फेवरेबल इम्पैक्ट डालें हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैंशन इन कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट टू, एंड ऑल्सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.